गन्ने के खेत में मिला मासूम का अर्धनग्न अवस्था में शव। एक ओर जहां केंद्र सरकार लेकर राज्य सरकार तक बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती, लेकिन जमीनी स्तर पर याद आवे हवा हवाई साबित हो रही। मासूम बच्ची भी महफूज नहीं है यहां। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के पसगवां थाना क्षेत्र में एक 7 साल की दलित बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव गांव के पश्चिम में गन्ने के खेत से अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ। परिजन रेप की भी आशंका जता रहे। पसगवां थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 8 साल की दलित बच्ची रविवार की दोपहर अपनी दादी के साथ गांव पश्चिम खेतों में बकरियां चराने गई थी। बताया जाता है शाम को करीब 4 बजे के आसपास बच्ची की दादी ने उसको घर भेजा, खुद खेत में बकरियां चलाने लगी। बच्ची खेत से घर आ रही थी लेकिन घर नहीं पहुंची। देर शाम तक जब वो कहीं दिखाई नहीं दी थी, परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। देर शाम उसका शव गांव के पश्चिमी गन्ने के खेत से हुआ बरामद। शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। बच्ची के गले में उसका सलवार लिपटा था। परिजन आशंका जता रहे रेप के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई। शव मिलने की सूचना पर पूरे गांव के लोग मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने SP विजय ढुल ने बताया बच्ची का शव मिला है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। इसके साथ ही 5 टीमें गठित कर दी गई जिससे जल्दी से जल्द आरोपी शिकंजे में कसा जाए। क्या नाम पोते? पोते के प्रिया नाम है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ चराउती रहे। हाँ। ते बिटिया ने कही कही का नाम हमें अम्मा अम्मा तुम चरावा हम घर ही जाइए। हाँ। अब मम्मी लेके देखो रोटी बनाई हम बिटिया खिलाई जाए तो हमने कहा चाह तुम चलिए जाओ तो वो चाह तो हम बकरियाँ चरा कि हम ही वहाँ तो बिटिया ही आई हमारी चली। हम देखते रहे गन्ना के मोड़ अपने सड़क पर लो हमें दिखा दे तान लो मैं देखते रहे बिटिया हमारी भी गई आड़म तो इन कही बिटिया ने मम्मी ने कही कही माँ बिटिया नहीं आई हमने की बिटिया तो तुरंत कब की आई है 5 बजे की आई है या जाने के बाद की आई है अब बिटिया का घर ही नहीं आई हूँ तो हमें आए। अच्छा। हाँ गन्ना। हाँ गन्ना फिर मिली 8 बजे रात की मिली जाए 8 बजे। पहले कहीं नहीं देखो? पहले देखो सबने देखो जितने जने है। हाँ। भाई सब गन्ना में ढूंढते है अकेले के हम नहीं देखो। अच्छा, में देखो तुमने? हमने देखो जब हमारी बिटिया की टांग बंधी मुँह से खून निकलो बिटिया के हमारे गलत काम बेदर भाई। अच्छा। अब टांग फटी गई बिटिया भाई एक दो चलो एक खून को बेकार है शरीर कर दो। लड़की की माँ कहाँ थी? लड़की की माँ घर आई जय कहूँ नहीं जाती है माई बहनी हम जात करवाए हैं बिटिया के संग में। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम छोटी बिटिया है। अच्छा, क्या घटना हुई आपने? घटना हुआ बिटिया चिड़िया लेके गई रहे अम्मा संग आऊंगे से लौट के बिटिया भैया गए के बिटिया घर ही जाओ बिटिया मरी आई नहीं पाएंगे ले पुलिस क्या बता रहे? पुलिस बताओ कि सकवा तो बताओ बतावे ऐसे कैसे। पुलिस का रिपोर्ट दी आपने? थाना पसगवा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से सूचना प्राप्त हुई कि बकरियां चराने हेतु खेतों की तरफ गई एक 8 वर्षीय बालिका का शव गन्ने के खेत से मिला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा अविलंब मौके पर पहुंचा गया और शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। प्रथम दृष्टया बालिका की मृत्यु गला घोटने के कारण दम घुटने से होना प्रतीत हो रहा है। प्रकरण में थाना पसगवां पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमें गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से संजय राठौर की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।